हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। और आज संडे और मैं घर पे हूँ और ये मेरा नया दोस्त, अभी देख सकते हो। तो संडे को अक्सर कुछ स्पेशल होता है खाने में, तो चलते हैं किचन की तरफ, देखते हैं क्या है। तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ कुछ, आज खाने का ही ब्लॉग रहेगा। तो चलते हैं किचन की तरफ। और इधर मम्मी लस्सी मार रही है, आप इधर देख सकते हो। और इधर ये मलाई है ना मम्मी, ये मक्खन इसका निकाल कर रखा गया है। ऊपर का जो मलाई होती है, दो दिन तीन दिन होने के बाद इसे घी बनाया जाता है, देसी घी जो कि। और इधर देसी लस्सी जो कि आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है और मेरा बहुत ही फेवरेट है ये चीज़। और आप ये देख सकते हो, ये नारियल, और ये नारियल देख सकते हो आप। इसकी बनाएंगे हम लड्डू, जब तक उधर मम्मी लस्सी बना रही है तब तक हम इसकी इसको काट के तब तक बनाते हैं, इसको काटते हैं तब तक। और इधर रखा गया है दही बनाने के लिए दूध। क्या होता सही, तो दो हमारे कट चुके हैं और ये काटने हैं, तो ये दो कट चुका है। ठीक है, तो मैंने दो काट दिया और ये मेरे भतीजा है, ये काट रहा है, थोड़ा स्पीड काटता है तो इसको दे दिया, ये काटेगा। तो अब ये काट रहा है, देख थोड़ा इधर ऊपर देख ले, देखा। हाँ, तो ये मेरा भतीजा ये काट रहा है, दो मैंने काटा और एक ये काटेगा क्योंकि ये थोड़ा स्पीड काटता है, देख सकते हैं। कटोरी कटोरी पानी निकाल दो पहले, निकाल फेंक दे उधर पीछे पीछे। ऐसा हो जी, बढ़िया ले। तो अभी इसको नारियल को काट लिए, तो अभी इसको हम मुरादा बना रहे हैं, इसको कद्दूकस कर रहे हैं। अभी देख सकते हो कद्दूकस करने के बाद, उसके बाद हम इसको चाशनी के साथ इसको मिक्स करेंगे। और बहुत ही आसान होता है नारियल के लड्डू, और इसमें ज़्यादा कुछ लगता भी नहीं, बहुत कम चीज़ों में मतलब ये तैयार हो जाती है लड्डू। तो हम वो उसे कर रहा है, मैं इसे कर रहा हूँ, इसे इसको करूँगा। सो गाइस, आप ये देख सकते हो ये पूरा तैयार है। और इधर कढ़ाई रख दिया हूँ, पहले हमने सोचा कि इस पर चूल्हे पे बनाएंगे, लेकिन चूल्हे पे भी नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत हल्का फ्लेम में बनाते हैं आपसे इसको। तो इसी पे कढ़ाई रख दिया हूँ और गैस का फ्लेम है जो बहुत कम कर दिया हूँ। और इसमें एक चम्मच घी डालूँगा और चीनी मिक्स करूँगा बस, और ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा कुछ मिक्स नहीं होता है। आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऐसे ही अच्छा लगता है टेस्ट। तो आप ये देख सकते हो, अभी मैं इसमें एक चम्मच घी डालूँगा और भूनने के लिए, ज़्यादा नहीं, घर का देसी घी।
ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए नहीं तो हो जाता है। तो एक घी डाल दिया और इसमें डालेंगे पूरा मिक्स करेंगे चीनी 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 बाटे फेंट के ना। हाँ तो इसको 3 से 4 मिनट इसको हल्की फ्लेम में इसको पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, बस इसमें मिक्स करेंगे चीनी, ज़्यादा कुछ लगता नहीं है और काफ़ी स्वादिष्ट होता है ये नारियल का लड्डू है जो। अब कम टाइम में इसे 3 से 4 मिनट ऐसे इसको पकाएंगे, इस पर 1 चम्मच घी में, इसमें ज़्यादा कुछ यूज नहीं करते हैं, आप चाहो तो 1/2 कप इसमें वो डाल सकते हो मिल्क पाउडर, लेकिन हम मिल्क पाउडर नहीं यूज़ करेंगे इसमें, और थोड़ी सी चाहो तो इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं, हम ऐसे ही डाल देंगे इलायची। तो अभी ये चेंज हो चुका है इसका, ये भून चुका है, 2 से 3 मिनट इसे हमने इसे भाजे हैं, 2 से 3 मिनट इसे हमने पकाए इसमें, तो अभी ये हो चुका है तो इसमें कलर चेंज हो गया, तो इसमें हम इसमें चीनी डाल देंगे, आप अपने अंदाज से डाल सकते हो, हम इसमें कम से कम इसमें चीनी डालेंगे अपने एक आइडिया से, 1/2 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी इसमें हमने यूज किया है, और 1 किलो से थोड़ा सा कम हो जाए, तो अपने अंदाज से इसमें हमने चीनी मिक्स कर दी है और इसको चलाते रहेंगे कंटिन्यू। तो इसमें हमने चीनी डाल दी है और इसको पका रहे हैं बहुत ही हल्का फ्लेम पे। तो इसमें मैंने कुछ इलायची तोड़ के डाल दिया हूँ इसमें, इसमें इलायची यूज़ किया हूँ, आप चाहो तो इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हो थोड़ा टेस्ट के लिए, और कुछ इसमें नहीं ज़्यादा डालते हैं, मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हो अलग से दूध डालने के बाद, अभी टेस्ट मतलब कुछ अलग होता है मेवा का, तो हम ये बस दूध डालेंगे, वो मिल्क पाउडर नहीं डालेंगे, 1/2 गिलास जैसे दूध, 1/2 गिलास इसमें दूध डाल दिए हैं। अभी इसको ऐसे ही पकाते रहेंगे कम से कम 10 से 12 मिनट तक, अभी इसको वैसे पकाएंगे 10 से 12 मिनट। तो अभी ये हो चुका है 10 से 12 मिनट पक चुका है, और इसमें जो चीनी है कढ़ाई में लगने लगा है साइड में आप देख सकते हो, तो ऐसा पता चल जाएगा कि इसका लड्डू बन जाएगा, नहीं तो आप ऐसे हाथ में लेके भी देख सकते हो, हाथ में ऐसे बांध के देख सकते हो, अब इसे बांध के देख सकते हो। तो अभी इसको हम बंद कर देंगे गैस को, और फिर हम इसको जलते ही गर्मी गर्म इसको बांधना पड़ेगा, इसे जलते जलते ही बांधना पड़ता है गर्मी गर्म, अगर ठंडी हो गया तो फिर बनेगा नहीं, तो इसीलिए सबको बुला लिया हूँ, मम्मी पापा ये मेरे भतीजा मैं चारों लोग बिन के सभी लोग मिल के इसे बांध रहे हैं, देखो कि कितना अच्छी मतलब ये बन रहा है आप देख सकते हो। तो बस हाथों में पानी लगा लेंगे बांधने के लिए, ये पानी रख रहे हैं देख सकते हो, पानी लगा के इसे बांधेंगे, हाथों में पानी लगा लगा के, हाथों में पानी लगा लगा के थोड़ी थोड़ी इसे करते हैं,
अब इसे बनने के बाद ये 10 से 15 मिनट रख देंगे, सूख जाएगा, सूखने के बाद खाने लायक होगा ये। अब इसको ऐसे ही रख देंगे और ये तैयार है बिल्कुल बनके, आप देख सकते हो। सो गाइस इसे आप ये देख सकते हो बनके तैयार हो गया, इसे 10 से 15 मिनट रख देंगे, सूख जाएगा, सूखने के बाद खाने लायक हो जाएगा। तो हमारा लड्डू ये तैयार है बिल्कुल, देखिए कितनी आसानी तरीके से। तो ये बहुत ही आसानी तरीके से बन के ये तैयार हो गया, आप ये देख सकते हो लड्डू। और बताना कैसा लगा वीडियो, तो अच्छी लगे तो लाइक जरूर मार देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तो अभी के लिए बाय।